आपके नेल्स पर आधी उतरी हुई नेल पॉलिश लगी है, आपको कहीं जाना है, आप अपने नेल्स को साफ करना चाहते हैं, लेकिन घर में नेल पॉलिश रिमूवर भी ख़त्म है, तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान सा टिप शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप बिना नेल पॉलिश रिमूवर के अपने हाथों पर लगी हुई नेल पॉलिश को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए मोनिकास DIY को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी मेरे हाथों पर लगी हुई है नेल पॉलिश, तो मैं आपको इसे बहुत ही आसानी से उतार कर दिखाऊंगी। इसके लिए ना तो हमें कुछ मार्केट से ख़रीदना है, ना ही कोई खर्चा करना है। इसके लिए हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है नेल पेंट। जी हाँ, नेल पॉलिश से ही हम पुरानी नेल पॉलिश को उतारेंगे। इसके लिए आप अपना कोई भी पुराना नेल पेंट यूज़ कर सकते हैं, या जो कलर आपको कम पसंद है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने नेल्स के ऊपर एक कोट करना है, फिर उसी टाइम उसको कॉटन से साफ़ कर देना है। इससे आपकी पुरानी नेल पेंट भी उतर जाएगी। अगर नेल्स पर थोड़ी सी नेल पॉलिश लगी रह जाए तो आप एक बार फिर से उसके ऊपर एक कोट करें और फिर से साफ़ कर दें। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप है, आप इसे ट्राई ज़रूर करें। कभी भी घर में नेल पॉलिश रिमूवर ना हो तो आप इस तरह से अपने नेल्स पर लगी हुई आधी अधूरी नेल पॉलिश को उतार सकते हैं। मेरे हाथों पर दो कोट किए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अगर कहीं पर नेल्स पर थोड़ी सी लगी रह जाए तो एक बार फिर से इसके ऊपर नेल पेंट का कोट करें और इसे पोंछ दें, तो उसी टाइम ये साफ़ हो जाएगी। अगर आपने अभी तक इस तरीके को कभी भी ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई ज़रूर करें और फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि नेल पॉलिश से नेल पॉलिश उतारने का ये टिप आपको कैसा लगा। सारे नेल्स नेल पॉलिश से ही साफ़ हो चुके हैं, तो जहाँ कहीं भी मेरे को लग रहा है कि कहीं थोड़ा बहुत भी नेल पेंट लगा है तो उस पर मैंने फिर से एक कोट किया है ताकि पूरी तरह से नेल्स साफ़ हो जाए। तो लीजिए, बिना नेल पॉलिश रिमूवर के हाथों पर से नेल पॉलिश उतर चुकी है। तो अगली बार अगर आपके पास कभी भी नेल पॉलिश रिमूवर ख़त्म हो जाए तो आप इस तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखें और फिर कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए मोनिकास DIY को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।